हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वॉरियर माइंडसेट सीरीज में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो अपनी जर्नी को पैशनेट तरीके से जी रहे हैं और वो अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने गोल्स को फॉलो कर रहे हैं। न केवल वो पैशनेट है अपनी जर्नी को लेकर, जबकि दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं और उनके एक्शंस सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आज इसी सीरीज में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ सुविधा से। सुविधा एक ऐसी एक्टिविस्ट है जो सोसाइटी में और आसपास चल रही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, उसके सॉल्यूशंस, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, इनोवेटिव तरीके आइडेंटिफाई करती है और उसके बाद वो लोगों से शेयर करती है उनकी ये अप्रोच। उनका एक चैनल है लिमिटलेस बर्ड, इस नाम से वो बाकी लोगों तक शेयर कर रही है। और व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हर, शी इज रियली ऑसम एंड डाउन टू अर्थ एंड कनेक्टेड विद हर हार्ट। वो जो भी कर रही है दिल से करती है और यही बात लोगों को इंस्पायर करने के लिए काफी है। तो आज मैं सुविधा से आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। हाय सुविधा। हेलो सुविधा, आप अपने शब्दों में अपने बारे में बताइए। बेसिकली मेरा मोटिव है कि मैं सोशल इश्यूज को सॉल्व करूं, और सॉल्व मैं अकेले तो कर नहीं सकती, तो इसलिए सबसे पहले लीडर्स क्रिएट किए जाए। लीडर्स क्रिएट करने के बाद हम साथ में मिलकर इस वर्ल्ड को एक हेवनली अर्थ या फिर हेवनली प्लेस बना पाए, जिससे हम लोग सब लोग हैप्पीली रह पाए। मेरा ये मोटिव है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लिमिटलेस बर्ड का प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, एंड इस प्लेटफॉर्म में मैं अभी ऐसे वीडियोस बना रही हूँ जिसमें हम सोशल इश्यूज के सॉल्यूशंस के बारे में बता रहे हैं। मेरा सवाल है ये आपसे कि आप इस तक, इस क्रिएटिव सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे? हाउ डिड यू फाइंड योर पैशन? बेसिकली ये पूरा स्टार्ट होता है बचपन से, बिकॉज आई वॉज टोटली इंट्रोवर्ट, और इसकी वजह से मैं बहुत अकेले रहना पसंद करती थी, अपने आप से बातें करना, चांद तारे देखकर, वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम है सोल्यूशन सुन के सोचना, तो ये सारी चीजें दिमाग में हमेशा चलती रहती। धीरे धीरे बड़े हुए और मैं बहुत पढ़ाकू लड़की, तो 90% 85% आ जाते थे इजीली। तो फिर मैंने सीए ऑप्ट किया क्योंकि बड़ी बेटी थी घर की, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी थी। एंड फाइनली क्या हुआ कि सीपीटी मैंने क्लियर किया और उसके बाद बड़े पापा ने मुझे दिखा दिया संदीप माहेश्वरी का वीडियो, तो वो बचपन की यादें फ्लैशबैक हुई और देन मैंने उनको कंटिन्यूसली सुना सुना, तो माइंडसेट ये बन गया कि मुझे पैशन को फाइंड आउट करना। फिर मैंने लगभग 20-25 के करीब मैंने जॉब्स नहीं कह सकते बट यस करियर्स को मैंने ट्राई किया ताकि मैं फाइंड आउट कर पाऊँ कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं था कि इस रास्ते को पाना कैसे। वेरी गुड, 25 ऑप्शंस। यस, दैट्स अ बिग नंबर, दैट्स रियली बिग नंबर। आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि इस पूरी जर्नी में 25 ऑप्शन जब आप ट्राई कर रहे हैं तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत हो गया? लगा था बहुत बार, ऐसा लगा कि क्या करूं अपनी लाइफ के साथ, खेल बना रखा है खुद को, एंड समटाइम्स डिप्रेस भी हुआ, कभी कभी ऐसा लगा कि आगे कुछ बचा ही नहीं है, इस अच्छे सीए ही कर लेते, बट स्टिल मैं आगे बढ़ती थी इसमें। एंड एट लास्ट जब मैंने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए जितने मेरे दिमाग में थे कि अब क्या नहीं करना है वो तो समझ में आ गया, अब मेरा जो एक्सपीरियंस था उसको लेकर भी मैंने लाइफ बुक डिजाइन करी अपनी खुद की। तो उसमें लाइफ बुक में क्या होता है कि आपके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल हो गया, इमोशनल हो गया, फिटनेस हो गया, हर एक एस्पेक्ट के हिसाब से आपका पर्टिकुलर गोल क्या होना चाहिए। वैसे मैंने फोटोज कलेक्ट करके उसको पूरा डिजाइन किया एंड एट लास्ट जाके मुझे समझ आया कि ओवरऑल मुझे लाइफ से क्या चाहिए, उस टाइम में कंपनीज में जॉब्स करना, अपना खुद का बिजनेस कुछ ट्राई करना, कैंप्स स्टार्ट करना, एंड जुगाड़ लगा के मैंने वो सारी चीजें सीखी, पैसा कमा के, पैसा दे के नहीं, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी। पैसा कमा के सीखा,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मेरे सारे यंग ऑडियंस जो है वो जानना चाहेंगे कि हाउ डिड यू मैनेज दैट। बेसिकली जैसे ही मुझे, एक तो फाइनेंशियल स्टेट अच्छी नहीं थी, तो मैंने अबैकस पढ़ाना शुरू किया सबसे पहले, तो अबैकस पढ़ाते पढ़ाते मुझे वो पूरा आने लगा, तो वहां से तो मुझे एक इनकम होती थी। अब मैंने उसको बिजनेस बनाना शुरू किया, मार्केट में जाके पैम्पलेट्स बांटे, जिसको पढ़ना है मेरे पास आओ। तो वो मुझे आता नहीं था अबैकस, मैंने देख देख के सीख सीख के सिखाना शुरू कर दिया, इस तरीके से मैंने वो सीखा। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में चले गए, तो मार्केटिंग के थोड़े बेसिक्स मुझे पता चले, फिर वहां से मुझे पर्सनालिटी ग्रो करने के लिए बेस मिला, तो वहां से भी मैंने पैसा कमाया, लगाया नहीं, एंड कुछ जॉब्स करी मार्केटिंग की, काउंसलिंग की, फिर उसके बाद एनएलपी, जो बहुत कॉस्टली होता है सीखने के लिए, बट मैंने एक साल पूरा एनएलपी कोचिंग का एक्सपीरियंस लिया, वहां पे जॉब करी, इवन मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी वहां से सीख लिया। ऐसे करके लगभग बहुत सारी चीजें करी जो मैंने पैसा कमा के करी, लगाया कुछ। ओके सुधा, मुझे ये बताएंगे हाउ यंग यू आर? I'm 24 years old. Okay, 24 years. और इस एज में आपने एनएलपी को भी कर लिया है, that's something really big. क्योंकि आप एनएलपी के बारे में जानते हैं और आपने खुद से किया ये। हाँ जी। फाइनेंशियली आपने ये खुद अफोर्ड किया। हाँ जी। So, एनएलपी ने कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया आपकी लाइफ में? एनएलपी से मुझे समझ में आया कि माइंड एक्चुअली वर्क कैसे करता है, उसको क्या डाइट देनी पड़ती है, क्या क्या चीज है जो आपको वीक बनाती है। तो लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, आपको पता होना चाहिए जो आपका सबसे पावरफुल टूल है उसको मैनेज कैसे करना। तो एनएलपी से काफी आइडिया आया कि दिमाग को मैनेज कैसे करना। Yes, that's really important, कि दिमाग को मैनेज कैसे करते हैं, या तो दिमाग को हम मैनेज करें या दिमाग हमें मैनेज करता है। वेरी गुड। आपके लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है सुधा, और आपने कैसे ओवरकम किया, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? बेसिकली इतने सारे लाइफ में शिफ्ट लेना, लोग आपको पागल समझने लगते हैं, क्योंकि आप कोई लाइन पे जा ही नहीं रहे हो, आप ये ट्राई करो ये ट्राई करो, लगातार शिफ्ट करना, उस रिस्क को लेना और सारे लोगों को इग्नोर करना, सब आपके अगेंस्ट है। तो एक वो चैलेंज था जो मैंने हर बार फेस किया, और सबसे बड़ा एक चैलेंज है जो मैंने लगभग 2 साल पहले फेस किया था। क्या हुआ था कि मुझे एनएलपी सीखना था, और दिस वॉज द माई सबसे बड़ा वाला चैलेंज। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को अप्रोच किया, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का लॉस कर दिया था, इन्वेस्टमेंट करके या ट्राई करते करते मैंने 1 लाख रुपए लूज कर दिया। तो मैंने ट्रेनर्स को कॉन्टेक्ट किया कि सर मुझे एनएलपी सीखना है, बट मेरे पास उतना फंड है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपके अंदर जॉब कर लेती हूँ, और जॉब करते करते मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। ऐसे करके मेरे पास 2-3 लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर्स आए, उनमें से आदि सर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा दिल्ली में सेशन है, तो कुछ भी डिसाइड करने से पहले मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। right. तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम बीमारियां बहुत चल रही थी, तो घर पे पहले बड़े पापा हॉस्पिटलाइज हुए, एंड फिर उसके बाद भाई को बुखार हो गया था, लंगड़ा बुखार, बहुत ज्यादा उसमें पेन होता है बॉडी में, एंड रह नहीं पाते आप, तो वो भी हॉस्पिटलाइज हुआ। फिर ऐसे बहन मम्मी मुझे सबको घर में तबीयत खराब, एंड आसपास के लोगों की मरने की खबरें आ रही थी उस टाइम पे। 2 कजिन ब्रदर्स थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था बस से, तो वो भी मर गए। फिर इस तरीके से माहौल बहुत खराब था। उससे पहले ही मैंने घर पे ये पूछ रखा था कि मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, और मुझे मना कर दिया गया था, क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई आप पे विश्वास नहीं करता। yes, yes. तो अब उस कंडीशन में मेरी भी तबीयत खराब है, इवन मैं सुबह चक्कर खा के गिर चुकी थी। तो मैं क्या घर से तुलसी का पानी भर के बॉटल में निकली, कि हाँ जैसे तैसे ध्यान रखना है हेल्थ का, निकली वहां से और ग्लूकोज का एक पैकेट लिया और केले लिए, ट्रेन में बैठ गई। से मैं ट्रेन में बैठी, 3 घंटे बाद मैंने एक बहुत कन्विंसिंग सा लेटर लिखा अपने बड़े पापा कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो मैंने इतना ट्राई किया, लास्ट थिंग इज दैट जो मुझे करना, क्योंकि आगे मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि इसके बाद क्या होगा, तो रिस्क लेना पड़ेगा, और मैंने ले लिया। तो वो लेटर बहुत कन्विंसिंग था, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या लिखा था, आई कांट एक्सप्लेन यू दैट टाइम, बट लिखने के बाद मैं दिल्ली पहुंची, वहां से मैंने सेशन अटेंड किया। मुझे ये भी नहीं पता था आदि सर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो बंदा सही है कि नहीं है, कि पहले मैं जानती भी नहीं थी उनको। हाँ गई, उनसे बात करी,
बात करने के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप जयपुर आ जाओ, और वो इंटर्नशिप लेते थे तो बच्चे उनके यहाँ काम करते थे और काम के बदले वो सिखा देते थे जितनी भी चीजें वो करवाते थे लाइफ स्किल्स से रिलेटेड। तो इस तरीके से मेरा हुआ जाना जयपुर। घर से भागना, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से आप हो और पापा की डेथ हो गई थी बचपन में, तो मैं सबसे बड़ी बेटी, तो आप समझ सकते हो कि क्या माहौल होगा घर के अंदर। Yes, absolutely, Sudha. I can understand कि आप घर की बड़ी बेटी हैं और पापा नहीं हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली में ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना और घर छोड़ना लड़की के लिए, यहाँ पे एक मैसेज जाता है, क्योंकि अक्सर मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं लड़कियों के कि मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ लेकिन मम्मी पापा वो मुझे इस लाइन में लेके जाना चाहते हैं। सो यहाँ एक बहुत बड़ी लर्निंग, एक मैसेज है उन सभी लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, कि यस, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, अगर आपने अपने आप को मना लिया तो आप बाकी सारी दुनिया को मना सकते हैं, बट आपको वो करेज लेना पड़ेगा, वो रिस्क लेना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है कि एक बार आप मान जाओ उनकी बात और फिर पूरी जिंदगी भर पछताओ, या ये हो सकता है कि आप अपने दिल की सुनो और समझदारी से आगे बढ़ते हुए आप अपने आप को जवाब दे सकते हो कि यस, मैंने अपने सपने को पूरा किया है या उसको फॉलो किया। दैट्स सो इंस्पायरिंग सुविधा, दैट्स सो इंस्पायरिंग। मेरा एक और सवाल है। यस, एक साल तक मेरी घर वालों से कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ, जितना टाइम मैं जयपुर में थी सब बंद था, सब मेरे खिलाफ हो चुके थे। हाँ, ये काफी टफ रहा होगा। एग्जैक्टली, और जयपुर में अलग सिचुएशन। आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड, बट यू मैनेज दैट एंड यू ओवरकम विद दैट। यस, दैट्स सो ग्रेट। एक और सवाल है मेरा सुविधा आपसे, कि आपको क्या, आप में ऐसी क्या खासियत है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है? What makes you unique? It's mindset, क्योंकि mindset की वजह से ही मैं सारे step ले पा रही हूँ, वरना मैं भी CA करके बैठ जाती आराम से, पैसे कमा रही होती। Mindset एक अच्छा मिला तभी मैंने steps लेना शुरू किया और मैं अपने passion को find out कर पा रही हूँ। सारी strengths mindset से ही आती है। Right. It's your mindset जो आपको अलग बनाता है। That is something different. Yes. अच्छा, एक और बात बताइए मुझे कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? What are your biggest dreams? क्या इम्पैक्ट डालना चाहते हैं? इम्पैक्ट, वही मैंने कहा ना, मुझे एक हेवनली अर्थ क्रिएट करना है। जितने भी लोग इस, मतलब मेरे जितने सॉल्यूशंस हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। उन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर लीडर्स क्रिएट किए जाएं तो हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो टोटल विजन इज अ ब्यूटीफुल अर्थ। वाओ, दैट्स सो इंस्पायरिंग। यू हैड समथिंग, यू नो, यू हैव समथिंग डिफरेंट। आपको इंस्पिरेशन कहां से मिलती है ये करने के लिए? आप कहां से प्रेरित होते हैं? इंस्पिरेशन अंदर से ही आता है, सच, किसी को देख के तो नहीं। बचपन से ये था कि कुछ करना है। और यस, मैं जब गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ी तो एक्सलेंस स्कूल था एक, जहाँ पर मैंने 4 साल थी, तो वहाँ पे टीचर्स बहुत इंस्पायरिंग थे। वो आपको हमेशा बोलते थे कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो। तो एक ये है कि मुझे फूड फॉर थॉट, या फिर कह सकते हैं मेरा थॉट प्रोसेस जो बिल्ड हुआ है वो इसी डायरेक्शन में गया है कि पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो, अच्छी चीजें करो। तो कैरेक्टर वाइज ये सारी चीजें अपने आप ही आती है। Yes. Sudha, मैंने जो आपके बारे में ऑब्जर्व किया है, यू आर सो अलाइन, यू आर सो हैप्पी विद योर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, सो हैप्पी, जॉयफुल। हाउ यू प्रैक्टिस दैट? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस? मैंने लास्ट वीडियो भी इसी पे बनाया था, हैप्पीनेस। बिकॉज़ हम सबका बीइंग ह्यूमन बेसिक नेचर होता है कि हम हैप्पी रहते हैं। बचपन में पैदा होने के बाद हम सब हैप्पी ही रहते हैं, रोते भी हैं, थोड़ी देर रोए फिर हैप्पी हो गए, उतना ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लेते। तो ये हमारा सबका बेसिक नेचर है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते पढ़ते पढ़ते जमती जाती है माइंड के ऊपर। तो आप वर्ल्ड के लिए कुछ और अपनी लाइफ में जो इंटरनल आपका है फेस वो कुछ अलग है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आपका इंटरनल फेस और आउटर फेस, उतना ज्यादा आप अनहैप्पी रहोगे। जब आपका इंटरनल और आउटर सेम हो जाता है या फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता तो आप हैप्पी रहते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि आप इंटरनली आप क्या हो, क्या फील करते हो, और बाहर आप क्या हो,
दोनों को आप अलाइन करें, बैलेंस करें, तो आप पूरी तरह से खुश रहते हैं। और अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। मैं ये समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर एक यूथ या यंग बच्चा है इस प्रॉब्लम से गुजरता है कि वो एक सोसाइटी की डिमांड होती है कि आप ऐसा बनो, ये करो, इतना कमाओ, ऐसे दिखो, और एक अंदर से एक आवाज होती है कि आप ओरिजिनलिटी आपकी क्या है, आप क्या हो, और इन दोनों में वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने ये बहुत खूबसूरती से बताया कि दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को कनेक्ट करना है। आपके हिसाब से आज के यूथ के सामने क्या बड़े चैलेंज है, क्योंकि आप उस उम्र से अभी गुजर रहे हैं और आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्या बड़े चैलेंजेस हैं? एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा मीडिया, क्योंकि बच्चों के पास में मोबाइल तो आ जाता है, क्या कंज्यूम करना है वो नहीं पता होता, तो वो कुछ भी दुनिया भर की उटपटांग चीजें देखते हैं और फिर उनके दिमाग पर वो बहुत गंदा असर कर जाती है। तो बहुत ही कम एज में लोग सिगरेट पीने लगेंगे, दारू पीने लगेंगे, क्लब जाने का शौक है, तो उनके शौक थोड़े से अलग गलत बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा ताकि आप ज्यादा ग्रो कर सके, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि क्या कंज्यूम करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, आज के समय में सब कुछ आपको एक्सेस है, एक क्लिक कर आप सब कुछ ले सकते हैं। उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बना सकती है या पूरी तरह से खत्म कर सकती है। तो यस, यू आर राइट कि आज के युवाओं को ये चीज ध्यान रखनी होगी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने यंग जो हमारे ऑडियंस है उनको, कि उन्हें क्या करना चाहिए जब वो अपने करियर की मुश्किलों से गुजर रहे हैं, जिंदगी की मुश्किलों से गुजर रहे हैं? क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है जहां आप पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव होते हो या डिस्ट्रक्टिव हो सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यंगस्टर्स की वो एज होती है जहां पर वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ भी काफी ज्यादा अच्छी होती है और मेंटल भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इतना क्रिएटिव आप बहुत आगे जाके नहीं हो पाते एक एज को क्रॉस करने के बाद, तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी होती है। तो अगर आप इस कंट्री सोसाइटी के हिसाब से चलने लगे तो हो सकता है थोड़े टाइम तक पैसा कमा के आप खुश रहोगे, लेकिन फिर लाइफ टाइम आपको ना थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा, आप खुश नहीं रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे अपनी लाइफ से। इतनी सारी डिप्रेशन की और अकेलेपन की, लोनलीनेस फील होता है लोगों को, क्यों होता है कि वो कंबाइन ही नहीं कर पा रहे अपनी सेल्फ और दुनिया के सामने वो शो कर पा रहे सेम चीज। तो बेसिकली अभी मेहनत कर लो, फिर आगे अच्छे से लाइफ जीते रहो। कि अभी मेहनत कर ली तो आपका कैरेक्टर भी बहुत बिल्ड होगा अच्छे से, माइंडसेट भी स्ट्रांग होगा और आगे आपका एक बेस बन जाएगा और आप हैप्पीली जी पाएंगे, आप अपने आप में फुलफिल्ड होंगे, दूसरे से हेल्प नहीं मांगेंगे कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरी बात सुनो, या फिर मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, ये बहुत ज्यादा होता है। राइट राइट, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बेसिकली आपने बहुत सही बात बताई कि अभी अगर आपने कैरेक्टर को बिल्ड कर लो आप और हार्ड वर्किंग कर लो, तो पूरी लाइफ आप बैलेंस रह सकते हो, मस्त रह सकते हो और बड़ी जिंदा दिली के साथ जिंदगी जी सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड आई रियली कैन फाइंड कि आपकी उम्र में आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, इतने सारे फेल्योर्स के बाद भी ये ढूंढ लिया है, एंड नाउ यू फॉलोइंग दैट्स सो ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आपकी इनर सेल्फ क्या है और आउटर सेल्फ क्या है, क्या उसमें कोई डिफरेंस है या फिर सेम है दोनों? ओके, तो आपका सवाल है जो मैं समझा हूँ कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी इनर आइडेंटिटी और एक्सटर्नल आइडेंटिटी क्या है, क्या दोनों एक है? जी, ये सवाल बहुत गहरा है सुधा, और इसका जवाब मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि आपकी जो इनर आइडेंटिटी होती है वो बनती कहाँ से है? जब हम बचपन में छोटे होते हैं और जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में हम बड़े हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, वहां से हमें कुछ वैल्यूज, बिलीफ्स मिलते हैं, वहां से हमें कुछ प्रैक्टिस मिलती है, तो स्ट्रॉन्गली हमारे माइंड पर रजिस्टर हो जाते हैं और पर धीरे धीरे हम उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। तो इंटरनली वो अर्लियर कैसा रजिस्टर हुआ आपके माइंड पर, आपने कैसे एनवायरमेंट से आप बड़े हुए हो,
वो आपकी इंटरनल आइडेंटिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट माय ग्रैंडफादर वाज ए फ्रीडम फाइटर एंड माय फादर वाज ए ही इज अ सोशल सर्विस ओरिएंटेड पर्सन। ही वाज ए वेटनरी डॉक्टर एंड ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू सपोर्ट एम्पावर एंड फॉर सोशल वेलबींग। तो जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो वहां से डेवलप हो, तो मेरा इंटरनल बिलीफ सिस्टम। अच्छा, जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम में मैं आगे बढ़ता गया, पढ़ाई आगे रहती रही मेरी, तो मुझे बताया गया कि सक्सेसफुल उसे कहते हैं जो अच्छी नौकरी ले लेता है, अच्छा पैसा कमाता है या अच्छा दिखता है, अच्छा गाड़ी घर ये सारी चीजें, तो वो एक्सटर्नल बनता गया। लेकिन अगर लंबे समय तक आप एक्सटर्नल कन्वर्सेशन को अलाउ कर देते हो तो वो आपकी इंटरनल आइडेंटिटी को छिपाता है, खत्म नहीं करता, सिर्फ छिपाता है। Somehow, मैं जल्दी इस सब चीजों से निकल गया क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये जो एक्सटर्नल हो रहा है वो रियल हैप्पीनेस नहीं है। तो मैंने अपने इंटरनल की सुनी। आई वॉज अबाउट टू सेलेक्ट इन टू गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन वो मुझे नहीं करनी थी क्योंकि उसमें सिर्फ नीड ऑफ सिग्निफिकेंस थी, मैं नहीं करना चाहता। मुझे कुछ वो करना था जो मुझे करना था, जो मुझे अच्छा लगे। इसलिए आप ही की तरह बहुत सारी फेलियर्स मैंने देखी लाइफ में और उनसे सीखता गया। पर वो इंटरनल कन्वर्सेशन हमेशा ओरिजिनल होता है, जो आपके सवाल से मैं समझा हूँ, ये कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करता है। अगर आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो लाइफ में, आपको लगे कि आपको सही जवाब नहीं मिल रहे हैं और आपको लगे कि लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, उस वक्त आपको बाहर के सारे कन्वर्सेशन बंद कर देने। जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ एंड योर इनर कन्वर्सेशन अलाउ यू टू एक्सपेंड To connect with your originality. तो मेरा जो इंटरनल है वही एक्सटर्नल है। लेकिन अगर ये अलग हुआ, चाहे वो मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, अगर वो अलग होता है तो जैसा आपने बताया था कि बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ना तो हैप्पीनेस होती है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं होता है, और उसके साथ साथ सिर्फ हम जिंदगी को दिखाने के लिए जीते। आई मस्ट से आपका इनर और आपका आउटर एक ही होना चाहिए, एंड देन यू विल लिव ए ग्रेट लाइफ। आई होप मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। That's amazing conversation, Suvidha. और आपकी बातचीत से मैंने तीन चीजें सीखी जो मैं समराइज कर रहा हूँ मेरी ऑडियंस के लिए। सबसे पहला कि आपको अपने दिल की सुननी है, फॉलो योर हार्ट। टू फॉलो योर पैशन यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, नॉट योर माइंड। माइंड बाद में आएगा कि उसको कैसे कल्टिवेट करना है, कैसे मैनेज करना, प्लान करना है, लेकिन पहले दिल की सुननी पड़ेगी। दूसरी बात, जब आप पैशन को फॉलो करने जाते हैं तो बहुत सारी असफलता ही मिलती है। प्लीज प्लीज फेस देम, उनसे घबराओ मत, क्योंकि वो आएंगी। और अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद भी आपको नहीं पता चल रहा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका पैशन क्या है, कोई बात नहीं, करते रहो, कभी तो मिलेगा जैसा आपको मिला। एंड द थर्ड वन इज जो आपने अभी लास्ट सवाल किया है, इंटरनल और एक्सटर्नल आइडेंटिटी को एक ही बनाओ, एंड देन यू विल क्रिएट द डिफरेंस। You are a leader. Sense of fulfillment की life आप जी पाते हो। ये तीन बातें मैं अपने audience के साथ share कर रहा हूँ। आपसे बातचीत से मैंने सीखी हैं, बहुत कुछ insights मुझे मिले हैं। Thank you for your valuable time, Suvidha. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब हो, आप एक impact create कर पाएं। Yes. God bless you. Thank you so much. Bye bye.